लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोबारा शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, समझा? ठीक है दीपक। झूठी गवाही देने की कितनी रिश्वत ली तूने? हाँ क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं हकीकत है। उस दिन खन्ना के घर जाकर उसके पैरों में बैठकर दारू पी दी ना तूने? उसके भाई को बचाना तेरा फर्ज हो गया था क्या? ये गलत बात है सूरज। ना ही मैंने कोई रिश्वत ली और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुझे वो जगह दिखाता हूँ जो एक्सीडेंट हुआ था। चल मेरे साथ। झूठ को सच साबित करने के लिए इससे भी बड़े बड़े सबूत बनाए जा सकते हैं। सूरज मैं तेरी सर की कसम खाकर कह रहा हूँ। ओ साहब क्यों खामखा झूठी कसम खाकर अपने भाई को मारना चाहते हो? अरे उस कुत्ते की जुर्म की मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा तू गवाह है? तू एक चोरनी और जेब काटने वाली होकर सच्चाई का ढोल पीटने आई है? हाँ ये चोरनी है, लोगों की जेब काटती है, मगर अभी तक इसका जमीर नहीं मरा। सच बोलने की हिम्मत है इसमें। तेरी तरह बड़े बड़े मुजरिमों और खूनियों को बचाने के लिए अदालत में आकर झूठी गवाही नहीं देती है। आज मुझे तुझसे ज्यादा ये लड़की पसंद है। ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है। साहब तुमने कहा था ना मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे ओए हटा, पागल हो गया क्या? मैं तुझसे प्यार वार नहीं करता, ये फूल पीछे ले। ये तारीफ क्या करती है, गले पड़ गई तुम्हें। देखो आज तुम मुझसे नफरत कर रहे हो ना, मगर याद रखना तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। और देख लेना मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। लारियों की तलाशी ली तुमने? सर ये खन्ना साहब की लारियां हैं। किसी की भी लारियां हो चकनाके से बिना तलाशी नहीं जाएंगी, समझे? सर आप यहाँ नए नए ट्रांसफर होकर आए हैं, इसलिए शायद आपको नहीं पता कि यहाँ खन्ना साहब की लारियों की तलाशी लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। शराब, पहले इन लारियों को सीज करके ऑफिस ले आओ और उसकी दूसरी लारियों को भी सीज करो। सर कौन है आप? पूछे बिना अंदर कैसे आ गए? ऑफिसर खन्ना को कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ओ, तो तुम ही हो खन्ना? खन्ना नहीं, खन्ना साहब। इस शहर के लोग मुझे इज्जत से खन्ना साहब कहते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, लोग तुम्हें इज्जत से नहीं बल्कि तुम्हारे डर से तुम्हें खन्ना साहब पुकारते हैं। पहले तो लो ऑफिसर फिर बोलो। आज के जमाने में इज्जत उसी की है जो या तो किसी का कुछ बिगाड़ सकता हो या फिर सवार सकता हो। देखो एक घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी सारी की सारी लॉरीज वापस चाहिए, बिना किसी चालान, बिना किसी केस के। अच्छा मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गुंडे हो। गुंडा? मैं कोई ऐसा गुंडा नहीं कि जिसके चेहरे पे चाकू का निशान हो या हाथ में सलिया हो, बल्कि मैं एक ऐसा गुंडा हूं कि जिसकी ताकत का अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए तो। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे मेरा? क्या कर लूंगा? जिस कुर्सी पर तू बैठा है ना, उसी कुर्सी पर तेरा खून करके अदालत में यह साबित कर दूंगा कि तेरी मौत दिल के दौरे से हुई थी। यू बास्टर्ड! नरेंद्र भाई मजा आ गया। अरे दीपक तुमने पिया नहीं यार? सर वो मेरे भाई को मेरा शराब पीना पसंद नहीं है। देखो दीपक आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे ना नहीं करना। शर्माया मत कर यार पीने आपका में। का फोन। एक्सक्यूज मी मैं अभी आया। ओके सिगरेट? जी नहीं शुक्रिया। हेलो सर, कस्टम ऑफिसर ने खन्ना साहब पर हाथ उठा दिया। भाई के ऊपर हाथ उठाया? ठीक है। ठहर जाओ देवी चौधराय, इतनी जल्दी क्या है? गांव वाले अच्छी तरह देख तो ले, आराम साधो।
अब बैठे हो ढोर डंगर की तरह। सर, यही है वो तुम्हारे सरपंच मुखिया नेता। चलो, इन्हीं के कहे पर चले थे तो आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। देवी चौधराइन, 20 साल पहले हम ही ने तुमको विधवा बनाया था और आज तुम्हारी विधवा जैसी सूरत भी हम ही बनाएंगे। पहलवान, बुढ़िया बाल मूंद दो। अच्छा नहीं कर रहे हो, याद रखना दोनों का ट्रांसफर करवा दूंगा। क्यों भाई, चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो क्या? तो हमें मसूरी ट्रांसफर कीजिए। हाँ, हंस लो हंस लो, मगर उधर देखो, तुमसे पहले तुम्हारा बाप वहां पहुंच गया है। अब देखो अंदर वो तुम्हारा क्या हाल करता है। भाई जरा रिक्शा रोक। हाँ, बारह मैं तेरे को बताता हूँ कौन किसका बाप है। जाने से पहले देख मैं बाहर तेरा क्या हाल करता हूँ। ठंडा देना तो छोड़ो, मुझे समझ नहीं। आज इसे कोई भी नहीं रोक सकता। पुलिस को प्लीज रुक जा, रुक जा, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। हरामजादे, दो टके का हवलदार, तेरी इतनी हिम्मत, क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा इसे बोल। इसलिए मारा क्योंकि इसने एक मासूम लड़की की चोटी काट के उसे बेइज्जत किया है। सिर्फ चोटी काटी ना, गला तो नहीं काटा ना उसका? अगर गला काटता ना तो मैं भी इसको वहीं के वहीं खत्म कर देता, समझा? फिर आज तू तोले बिना बोला, दूसरी मर्तबा तूने खन्ना के साथ बदतमीजी की है। ले चलो इसे पीछे रहा पे। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। ये खून कैसे हुआ? सर, खन्ना के भाई नरेंद्र ने इसका खून किया है। कोई चश्मदीद गवाह है? मैं खुद हूं सर, मेरी आंखों के सामने इसका खून हुआ है। देखो, हवालदार की गवाही कभी नहीं मानी जाती। ठीक है सर, इन सबों ने देखा है, ये सब गवाही देंगे। मैं अभी गवाही दिलवाता हूं सर। हाँ सर। भाई साहब, भाई साहब, आपने जो देखा वो एसपी साहब को बता दीजिए, आइए। अरे हवालदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ जानता नहीं। आप गवाही देंगे? अभी आया हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। चाचा चाचा, आप बता दीजिए एसपी साहब को कि ये खून होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है, नरेंद्र ने किया है ये खून? बेटा, मैंने कुछ देखा ही नहीं, वैसे भी मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं। भाई साहब,
भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम आप तो बता दीजिए एसपी साहब को। मैं क्या बताऊँ हवलदार साहब, मैं जब तक यहाँ आया सारा खेल खत्म हो चुका था। यहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहा था, बल्कि एक तन्हा औरत अपनी जान बचाने के लिए नामर्दों की इस बस्ती में मदद की भीख मांग रही थी। बहुत शर्म की बात है ये। बीच सड़क में खून होते हुए आप सब लोगों ने देखा है, मगर एक माई का लाल गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। भाई, आप लोग तो कुछ बताइए, ये औरत भी आप लोगों की तरह एक औरत ही थी। आप लोगों में से कोई एक, अगर कोई एक इस बात की गवाही देगा ना, मैं वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ। सर, सर रुक जाइए सर, सर मैं आपको गवाही दिलवाता हूँ सर, सर 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 प्लीज सर, सर मैं आप लोगों, सर सर मैं गवाही दिलवाता हूँ सर, सर मैं गवाही दिलवाता हूँ सर।